जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वीकेंड की क्या अपडेट है? माशाल्लाह लॉन्ग वीकेंड आप लोगों ने मनाया है, और फुल मेहनत की है, तो क्या क्या मेहनत की है, क्या अपडेट है बताएंगे कुछ? अच्छा जी, माशाल्लाह फौजिया को उन्होंने को पढ़ लिया सारी, जबरदस्त। और गूगल एड्स, सही सही सही। अच्छा अभी ना है कीजिए कि लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसको कोई रिवाइज करते कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक तो उसको रिवाइज करके फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो उसके उसके बाद भी मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। जी दिलशाद अहमद बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वही था कि हम सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ई कॉमर्स चीज अगर सर्विसेज वगैरह हो तो वो ई बिजनेस बन जाएगा। उसके बाद हमने उसके मॉडल वगैरह पढ़े थे, कैसे ऑर्डर आएगा, फिर उसकी इंटरनेट मार्केटिंग होगी, फिर उसके बाद जो है कस्टमर सपोर्ट्स और एनालिटिक्स वगैरह होंगी, शिपिंग होगी, फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट हो जाएगी। उसके बाद हमने ई कॉमर्स की टाइप पढ़ी थी जिसमें हमारे पास बी टू सी है, जिसमें हम बिजनेस टू क्लाइंट होता है, यानी कि कंज्यूमर या क्लाइंट, लेकिन जो बिजनेस जो है वो कंज्यूमर की तरफ अपनी प्रोडक्ट सेल करता है, और बी टू बी में होता है कि बिजनेस बिजनेस को सेल करता है। जैसे कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री जो है वो होल किसी और जो फैक्ट्री है उसको चीज सेल करे, या एक फैक्ट्री जो है पहले बना रही है धागा बना रही है और दूसरी फैक्ट्री जो है वो उस धागे से कपड़ा बना रही है, तो वो धागे वाली फैक्ट्री जो है वो सेल करते है अपना धागा जो कहते कि बनाती है कपड़ा उस फैक्ट्री को, तो वो आगे फैक्ट्री जो है वो अपना कपड़ा बना के फिर मार्केट में ले जाती है। ये बी टू बी हो जाता है। और सी टू बी में हो जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसमें हमारे पास जैसे फ्रीलांसिंग आ जाते हैं, हम कह लें कि जैसे कि मैं हो गया या हमारे जो दोस्त हैं जो वो सेल करते हैं अपनी सर्विस बिजनेस को, यानी कि इस तरह से हो जाता है। फिर सी टू सी होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या पी टू पी भी हो जाता है, जैसे पी टू पी भी कहते हैं पेयर टू पेयर, इसमें हम आपस में चीजें बाय सेल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अमेजोन के बारे में हमने बात की थी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम अपना स्टोर ओपन करके दुनिया के किसी भी एक कह रहे के मार्केट में हम प्रोडक्ट हंट करके सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अमेजोन के ऊपर बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं, उनमें हमने चार बिजनेस मॉडल पढ़े थे, जिसमें हमारे पास सबसे बड़े जो है वो पी एल है, यानी कि प्राइवेट लेबल, जिसमें हमारे पास हम अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं, प्रोडक्ट सेम ही होती है लेकिन हम इसमें कुछ नए फीचर लेके आते हैं, एक प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है, उसके बाद उसकी खामियां देखते हैं, खूबियां देखते हैं, जो खामियां होती हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चरर उसे बता दे कि ये इसमें खामियां हैं और ये खामियां इसमें नहीं होनी चाहिए, वो हम चेक करते हैं उस प्रोडक्ट के रिव्यू को चेक करने के बाद, इसमें हमारे पास खामियां जो कहते हैं जो लोगों ने रिव्यू दिए हैं वो क्या क्या है, हमें क्या चीज़ पसंद नहीं है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर वो चीज़ उस प्रोडक्ट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो चीज़ें हम निकाल के उसमें बेनिफिट इंक्रीज कर देंगे, तो हमारे प्रोडक्ट का जो रिव्यू है वो भी अच्छा आएगा और हमारी जो प्रोडक्ट है वो ये कहते कि अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद हमारे पास और
सेल का आपने पढ़ा था कि होलसेल बिजनेस में ये होता है इस मॉडल में कि हम बल्क में चीजें बाय करते हैं किसी ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से जो ऑथोराइज हो, जो हमें सेलिंग का जो है ना रीसेल का जो पहले के लेटर ऑथोराइजेशन दे दे। अगर हम इस ऐसे प्रोडक्ट को हम अमेजोन पे लगाते हैं तो वो अमेजोन हमसे पूछ सकता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना फलाने कंपनी की है या ब्रांड की है तो आपने लगाई है, आपको क्या इसका अलाउ किया हुआ है कि आप इसे सेल कर सकते हैं यहाँ पर, अगर कर सकते हैं तो हमें वो ऑथोराइज लेटर दें। फिर हम वो लेटर सबमिट करते हैं तो हमारी जो कहते हैं जो उनकी क्यूरीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता, कोई इशू नहीं आता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ये फुलफिल्ड बाय मर्चेंट होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट देखते हैं एक मार्केट प्लेस पे कि ये सस्ती यहाँ से मिल रही है और अमेजोन पे वही प्रोडक्ट सर्च करते हैं कि इसमें इसका मार्जिन क्या आ सकता है। अगर तो हमारा 25% से अबव हो यानी 40% मार्जिन आ जाए या 40 या 30 तो हम उस प्रोडक्ट को लेके चल सकते हैं क्योंकि उसमें उस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कुछ यानी कि कह देंगे एक्सपेंसेस बियर करने के बाद जिसमें यानी कि शिपिंग आ जाता है और वो अगर हम उधर की बात करें यूके की वहां पर वैट टैक्स आ जाता है, दूसरे जो टैक्स वगैरह हैं वो पे करने के बाद जो है ना हमारे पास तकरीबन 25% हमने ये मार्जिन रखा होता है कि ये एक्सपेंसेस होंगे 25% से ऊपर जो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम उसको मद्देनजर रखते हुए फिर प्रोडक्ट को सेट करते हैं कि ये सेल हो रही है उसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन में मिल रहा है। उसको सेट करने के बाद फिर हम जो फुलफिल बॉय है वो मर्चेंट रखते हैं ताकि हमें ही इसे सेल करना है। तो उसमें क्या होता है कि जब हमें वो ऑर्डर आता है तो हम जिस मार्केट प्लेस से उसे यानी कि हमें सस्ती मिल रही है वहां से लेके हम कंज्यूमर की तरफ जो है शिफ्ट कर देते हैं, डिलीवरी शिफ्ट जो है ना वो यहाँ पर करनी है। और इसके बाद होता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में ये होता है कि हम चीजें बल्क में ले लेते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास कहते कि आता नहीं है वो अथॉरिटी लेटर नहीं आता जो कहते कि ब्रांड से हमने चीजें ली हैं, किसी शॉप से चीजें लेके हमने अमेजोन पर सेंड कर दी हैं, ठीक है, यहाँ पर हम वो चीजें सेंड कर देते हैं। अगर इसमें हमारे पास अथॉरिटी लेटर नहीं होता जिस वजह से जो है ना ये एक ये वाला सिस्टम आर्बिट्रेज और दूसरा जो ड्रॉप शिपिंग है ये रिस्क में चलते हैं, ठीक है ना, जबकि होलसेल और पीएल जो है ना इसमें रिस्क नहीं होता। इसमें रिस्क इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी होती है कि इसे प्रोडक्ट को हम सील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बस यहीं तक डिस्कस किया था। चलिए बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। लास्ट टाइम हम कंपनी फॉर्मेशन की हमने बात की थी, हमने स्टार्ट कर दिया था कि क्योंकि हमें अमेज़न बिजनेस के लिए एक कंपनी रिक्वायर्ड है सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए, तो फिर उस वो कंपनी किस तरह से ओपन होगी उसके भी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ आप लोग के जो क्वेश्चन हैं जो टुडेज क्वेश्चन में उनको हम एट द एंड ऑफ लेक्चर देखेंगे। और आप लोग प्लीज जो भी कोई क्वेश्चन है, जी आवाज आने लगी मेरी, आवाज कंफर्म कीजिएगा सबको आ रही क्लियर। आ रही है, अच्छा जिनको नहीं आ रही वो अपना प्लीज चेक कीजिएगा ये सिस्टम जो हेडफोन वगैरह या कोई और चीज अपने स्पीकर चेक कर लें। अच्छा क्वेश्चंस हम टुडेज क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ लेक्चर वहां पे लेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज यहाँ पे अपने चैट में इंटरप्ट नहीं करना, अदरवाइज मुझे ये उसको क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि कल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने
कहा है कि वो क्योंकि इंटरप्शन होती है, बार बार क्वेश्चन आते हैं जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसका ख्याल रखिए, जो हमारा टुडेज क्वेश्चन अभी बना हुआ है लास्ट डे का फेसबुक ग्रुप में, आप वहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो एट द एंड ऑफ लेक्चर वहाँ से वो क्वेश्चन आंसर कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, कंपनी ओपन करने के लिए हमारे पास पहले एड्रेस होना चाहिए और फोन नंबर होना चाहिए। तो एड्रेस पे हम बात कर रहे थे, अभी हम यूके का जो सिनेरियो है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि यूके में कंपनी किस तरह से ओपन होगी और सैलर अकाउंट किस तरह से बनेगा। तो यूके में कंपनी ओपन करने के लिए एड्रेस के लिए एक हमने आइकन ऑफिस देखा, इसके अलावा ये योर वर्चुअल ऑफिस london.co.uk ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बेशुमार वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफिस, ये yourcityoffice.com, ये डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, यूके में भी करते हैं और भी काफी सारी कंट्रीज में करते हैं। तो यहाँ पे आपको यूके का जिस भी स्पेसिफिक टाउन सिटी पोस्ट कोड का आपको लेना है तो आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें किसी स्पेसिफिक टाउन में लेना है, कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई भी हमें यूके का एड्रेस जो है वो चल जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे रेट्स वगैरह डिफरेंट होंगे, आपने देख लेना कौन सा सूटेबल है आपके लिए। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपका एड्रेस यूनिक होना चाहिए, पहली वेबसाइट आइकन ऑफिस की यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने का क्या मतलब है कि आपका जो भी आपको एड्रेस देंगे उसके साथ कोई ऑफिस नंबर, सूट नंबर, कोई चीज इस तरह की लगी होनी चाहिए। जैसे ये एड्रेस था 3212323 हाई रोड चैटवेल हेल्थ, ये सो जो भी है ये, तो आपको यहाँ पे सूट ऑफिस नंबर यहाँ पे आपको भी लगाना चाहिए, ठीक है। सबका ये नहीं हो सकता कि सबका ऑफिस नंबर 10 होगा और सब उसी एड्रेस पर कंपनी ओपन कर रहे होंगे, किसी का ऑफिस नंबर 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 5 होगा, ठीक है, ये चीज जरूरी है। और दूसरी चीज जो एड्रेस में जरूरी है कि आपको आपकी मेल ये स्कैन करके ईमेल कर दिया करें, जो भी लेटर्स आपके आ रहे होंगे ये आपको स्कैन करके ईमेल कर दें, ठीक है। यूनिक आपको पता चल जाएगा जब आपका यहाँ पे ऑफिस नंबर या सूट नंबर डिफरेंट लगा होगा तो आपका एड्रेस यूनिक होगा। अच्छा, एक और चीज, अगर आप आइकन ऑफिस को नहीं यूज कर रहे और सूट ऑफिस नंबर लगा के यूनिक नहीं कर रहे, आप कोई और सर्विस ले रहे हैं, एग्जाम्पल आप ले रहे हैं जी ये वाला एड्रेस, ठीक है, ये एड्रेस है कोलमोर रोड बर्मिंघम B3। अच्छा, अब ये आपको ऑब्वियसली यहाँ पे इससे पहले कोई ऑफिस नंबर, सूट नंबर या फ्लैट नंबर कोई ना कोई चीज लगाएंगे, अगर नहीं लगाते, अगर आप चेक करना चाहते हैं ये इस एज इट इज यही एड्रेस दे रहे हैं, तो क्या ये एड्रेस यूनिक है या नहीं है? ऑलरेडी कितने बिजनेसेस हैं जो कि एड्रेस इस एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, तो उसके लिए हम आ जाते हैं, इस एड्रेस को गूगल में कॉपी करें और यहाँ पे लिख दें suits.indol, ठीक है, suits.indol आप लिखते हैं साथ, इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे मैं चैट में आपको लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, हमारी जो हमारा एड्रेस था कोलमोर रो बर्मिंघम B3, जो जिप कोड है B3 है। अच्छा, B3 जो है ना ये अब कंप्लीट जिप कोड नहीं है, B3 के साथ और भी काफी 3AG आ सकता है, 3AH आ सकता है, ठीक है, और काफी आ सकता है, तो मैं थोड़ा सा कोई स्पेसिफिक जिप कोड लेता हूँ, उन्होंने ये डिस्प्ले किया नहीं हुआ कंप्लीट जो है वो, यहाँ से ले लेते हैं आइकन ऑफिस वाला, ये ले लेते,
हमारा था IJ6 3SC, इसके ऊपर बता रहा है 1429 कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है 149, लेकिन अभी जो 1429 कंपनीज हैं दे वोंट बी ऑन द सेम एड्रेस। यहाँ पे देखिए ऑफिस नंबर 14 है, आइकन ऑफिस, इसके बाद ऑफिस 236, ऑफिस 1323। तो क्योंकि ये आइकन ऑफिस बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो अब उन्होंने ऑफिस नंबर लगा के सबको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, इसलिए आपको नजर आ रहा है कि इस जिप कोड पे बेसिकली 1429 कंपनीज हैं। अदरवाइज आप कोई रैंडम जिप कोड लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ WC1XONE, यहाँ पे 2138 है, ये भी उसका है, क्या नाम है, फ्रेडरिक स्ट्रीट वाली कंपनी है, उसका एड्रेस है। यहाँ पे ज्यादा कंपनीज है, ये वाला रिपोर्ट देखें WC1X8BB66 कंपनीज है, ठीक है WC1X9U। तो बेसिकली क्या है कि आपने अपने ये OBG वाला यहाँ पे 56 कंपनीज है, अगर आपको कोई यूनिक एड्रेस नहीं दे रहा ऑफिस रूट नंबर लगा के और कोई एड्रेस आपको दे रहा है, तो आपने उस एड्रेस को यहाँ पे सूट स्टॉट एंड डोल के ऊपर चेक कर लेना है कि उस एड्रेस पे ऑलरेडी कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है। अब कंपनीज रजिस्टर्ड ज्यादा होने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर अमेजोन अकाउंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा जरूरी नहीं कि सारी कंपनीज अमेजोन रिलेटेड ही होंगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी, एड्रेस वाला मसला हल हो गया, इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पे जो आपने डिटेल्स देनी है, एक एक मसला होता है कि आप क्लाइंट के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो डिटेल्स देनी है, पाकिस्तान का एड्रेस देना है या कहीं और का देना है, या आपको इसके साथ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अटैच करना है, वो आप क्लाइंट का ही करेंगे, वो अपना नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट्स रिकरिंग होती है, या आपको हर 3 महीने बाद पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से चार्ज हो रही होगी, या एनुअली हो रही होगी, या मंथली हो रही होगी, तो फिर अगर आपका कार्ड लगा होगा तो फिर वो आपके कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्लाइंट का ही लगाना है, अगर वो दे रहे तो, अगर नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि आपने सेटअप करके दें, तो फिर आप फॉर वंस अपना कार्ड साथ अटैच करके, अगर मतलब इंक्लूडेड है आपकी कॉस्ट में, एड्रेस की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, तो आप उनको बता देंगे कि 1 महीने का या 1 हफ्ते का 3 महीने का मैं आपको पैकेज दे रहा हूँ एड्रेस का, बाकी आप इसमें खुद मैनेज करेंगे, ठीक है। तो उतनी आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आप कार्ड वहाँ से डिटैच कर लेंगे, उसके बाद क्लाइंट अपना कार्ड साथ अटैच करके आगे की पेमेंट वो खुद ही करेगा। क्लिक करें तो आप अपना पर्सनल जो कार्ड है, डेबिट कार्ड, वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, वो कोई भी आप अटैच कर सकते हैं, तो आपके वीजा मास्टर कार्ड से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी इसकी। अच्छा जी, अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में जो आप पर्सनल नंबर है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन गेटिंग द OTP। आप जो OTP आती है ना, आपको जब साइन अप करते हैं आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो पर्सनल नंबर पे OTP वो रिसीव नहीं हो रही है, उसका इशू आ रहा है। तो आपको वन टाइम अगर पर्सनल नंबर से OTP नहीं आती, तो फिर आप नंबर ले लेंगे यूसी का, और वन टाइम आप उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर उसके साथ या कोई भी ऑथेंटिकेटर ऐप अटैच कर देंगे, फिर आप उस ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू ही साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको वो नंबर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं हो सकती ना, मतलब उसको आप उसका जो पेमेंट है वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूसली वो नंबर रखना है, आपने वो भी अकाउंट्स उसके साथ अटैच करने हैं, तो फिर आप उस नंबर को अपने साथ रखेंगे, यू विल बी पेइंग क्वार्टरली और एनुअली फॉर दैट नंबर, ठीक है, और आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो वो क्लाइंट पे कर रहा होगा उसके लिए। तो इसके लिए हमारे पास जो है ऑप्शन एक वाइक है, जी जो एड्रेस है ना वाइकर नाम का,
अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई थी। तो नंबर हमें चाहिए होगा यूके का, इसके थ्रू हम ओटीपी लेंगे, और एक दफा लेने के बाद हम गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप उसके साथ या कोई भी ऑथेंटिकेटर ऐप टैग कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम व्हेन वी साइन अप वी यूज दैट ऑथेंटिकेटर ऐप। या अगर आप परमानेंटली इस नंबर को अपने पास रखना चाहते हैं, देन यू विल बी पेइंग फॉर दिस नंबर क्वार्टरली और एनुअली, तो फिर आप यही नंबर अपने साथ कंटिन्यू रखेंगे, आप ओटीपी इसी के ऊपर ले लेंगे, इसके ऊपर ओटीपी का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान नंबर पे ओटीपी का मसला आ रहा है, और उस पर आपके लिए फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये ऐप आपने अपने फ़ोन पे आप डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जैसे सिंपल आपको अकाउंट बनता है जिस तरह जीमेल का, उससे भी ज़्यादा सिंपल है, नाम बता देना है अपना, और इसके साथ आपने अटैच कर देना है अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ठीक है, वीजा या मास्टर कार्ड साथ अटैच हो जाएगा पेमेंट के लिए। तो ये आपको कोई एक नंबर दे देगा, रैंडम नंबर होगा यूके का, ठीक है, वो नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी आपको आ सकता है। दोबारा बता दूं, अच्छा जी, ये ऐप है VYKE, इसको आपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने इसके ऊपर साइन अप करना है, वाइल साइनिंग अप आपको अपना वीजा या मास्टर कार्ड अटैच करना होगा। यू सेलेक्ट अ पैकेज, आप क्वार्टरली पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या एनुअल कर सकते हैं, या 6 महीने का कर सकते हैं, ठीक है। वो पैकेज आप सेलेक्ट करेंगे, अराउंड तकरीबन 10 पाउंड के करीब आपका बनेगा वो पैकेज, 9-10 पाउंड का। उस पैकेज को लेने के बाद आपको एक नंबर मिल जाएगा, आप यूके का ले सकते हैं, यूएस का ले सकते हैं, और भी कंट्रीज हैं उसके अंदर उसका नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल यूके का चाहिए, ठीक है। यूके का सैलरी अकाउंट अगर आपको प्रोफेशनल बनाना है, तो ये नंबर आप देंगे, जहां पे भी आपको आगे अपने बिजनेस का नंबर मांगा जाएगा आप ये वाला नंबर यूज करेंगे, कोई बैंक अकाउंट, कोई सैलर अकाउंट, इफ यू मेकिंग पेपॉल या आप स्ट्राइप या कोई भी और सर्विस ले रहे हैं, तो वहां पे आप अपने बिजनेस का ये वाला नंबर यूज करेंगे, ठीक है। स्काइप का इशू है कि स्काइप पे आपको ओटीपी नहीं आती, स्काइप पे टैक्स नहीं आता, यू कैन यूज स्काइप फॉर कॉलिंग, लेकिन आप उससे मैसेज नहीं ले सकते हैं। अच्छा जी, नंबर वाला मसला हल हो गया। इस पे जब आप लेंगे तो फ्री कॉल नहीं होगी, आपका वो पर मिनट आपको चार्ज करते हैं, काफी कम अमाउंट है वो पर मिनट जो चार्ज करते हैं, लेकिन ये कि ऑब्वियसली यू हैव टू पे समथिंग टू कॉल। दूसरी चीज है कि इस पे कॉल रिसीव करने के लिए आपको अगर कोई कॉल आती है, और अगर आपने VPN आपका ऑन नहीं है फोन में, आपने यूके का VPN नहीं लगाया, तो यू वॉन्ट बी एबल टू लिसन कि अगला बंदा क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपको कॉल रिसीव करने के लिए, या अगर आप इवन कॉल कर भी रहे हैं यूके में कर रहे हैं, तो फिर आपको VPN पहले ऑन करना है यूके का, फिर आपको कॉल पे आप बात कर सकते हैं। जैसे कार्ड अगर वीजा है तो चल जाएगा, वीजा मास्टर कार्ड है तो। अच्छा, एक और चीज है कि ये नंबर जो होता है ना, इसका फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने वाला पैकेज लिया हुआ, और 3 महीने बाद आपने उसकी पेमेंट नहीं की, और ये नंबर आपका लगा हुआ है फॉर ओटीपी पर्पस, आपके सेलर सेंट्रल पे लग गए, आपके पेपॉल पे या आपके वाइस पे या कहीं पे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका ये पैकेज एक्सपायर हो गया, यू हैव पेड फॉर द टर्म जो आपने यूज किया है, तो आप जब नया लेंगे तो आपको ये सेम नंबर नहीं मिलेगा फिर, ठीक है, वो नंबर आपका एक्सपायर हो जाएगा। आप जब दोबारा लेंगे या पेमेंट कर भी देंगे तो आपको ये नंबर नहीं मिलेगा।
इस सब का ख्याल रखते हैं कि जब भी आपका ये एक्सपायर हो रहा है तो उसको टाइमली रिन्यू करें, अदरवाइज अगर एक्सपायर हो जाता है नंबर तो वो ही नंबर दोबारा नहीं मिलता और फिर आपको अकाउंट के ऊपर आपने हाँ जी नंबर भी नहीं होते ऑब्वियसली कॉलिंग नंबर जो भी होगा यूनिक ही होगा ना प्रैक्टिकली ये फोन पे होगा ना फोन पे ये बहुत सिंपल है आप ये ऐड करें ना गूगल पे स्टोर से इंस्टॉल करें भाई को आपको पता चल जाएगा जस्ट आपने वहाँ पे अपना नाम नाम लिखना है पाकिस्तान का नंबर लिखना है दैट्स इट अपना वीजा कार्ड लगाना है साथ बाय हो जाएगा जी जो क्लाइंट यूके से है वो अपना भी यूज कर सकते हैं हाँ जी ये एक दफा आप नंबर ले लेंगे तो उसके बाद बेशक आप इसको टिकटॉक अकाउंट पे वहां पे सैलर अकाउंट पे यूज करें या कहीं भी यूज कर सकते हैं एक मिनट भाई अभी मसला हो रहा है तो उनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए हैं सब मैं नहीं पढ़ पा रहा तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको यहाँ पे जो क्वेश्चन है फेसबुक में टुडे क्वेश्चन पे लिखते जाए ठीक है ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर उसको वहां पे हम आंसर कर दें ठीक है वहां पे आप लोग पेज लिखते जाए यहाँ पे इतने क्वेश्चन हो गए हैं तो मैं आंसर नहीं कर सकूंगा हाफिज आपका देखिए प्रैक्टिकल जो है आगे जिसकी जरूरत होगी वो मैं करवाऊंगा जिस तरह कंपनी की जरूरत है जैसा अकाउंट की जरूरत है बैंक अकाउंट की जरूरत है मैं करवाऊंगा लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना जैसे अगर आप कहेंगे जीमेल अकाउंट का हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करें किस तरह ओपन होता है तो वो मुश्किल होगा इतनी ज्यादा डिटेल में जाना ये बहुत ईजी है यू कैन डू इट योरसेल्फ न्यू लगा लें अभी कल वाली हमने करना है आंसर उसी के अंदर करना है तो लास्ट लेक्चर वाली है ना उसके भी आंसर करने वाले हैं तो इसलिए उसी में कर लें हाँ जिस तरह आप अगर बता रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों के आपको बल्कि बड़ी चीज़ों के भी इवन हर एक चीज़ का ट्यूटोरियल मिल जाएगा इफ यू वांट टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप इवन इफ यू डोंट गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करनी है तो यूट्यूब पे आपको आप सर्च करेंगे आपको उसकी रिलेटेड वीडियो से आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड कर लें और बीच में जो मसले आ सकते हैं उसको अंडरस्टैंड कर लें तो नंबर के दो मैंने मसले बता दिए आपको कि एक अगर इसे कॉलिंग के लिए यूज करना है तो वीपीएन ऑन होना चाहिए दूसरा इसको एक्सपायर नहीं होने देना अगर एक्सपायर हो जाएगा तो बहुत मसला होगा स्पेशली इफ यू अटैच इट विद पे कॉल तो फिर बहुत ज्यादा मसला होता है वो बहुत बहुत मसला करता है अगर आपका नंबर एक्सपायर हो जाएगा इवन सेलर सेंट्रल के ऊपर भी अगर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे सारे आपकी वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद फिर आपका अकाउंट जो है वो पासवर्ड रीसेट होगा अदरवाइज सिंपली पासवर्ड रीसेट होता नहीं उस तरह से अच्छा जी नंबर वाला हो गया उसका अगला काम क्या होगा हमारा विल गो टू द कंपनी हाउस कंपनी हो गई कंपनी हाउस आप लिखेंगे गूगल पे और यहां पे ये देखें आपको ये लिखा हुआ है सेटअप अ लिमिटेड कंपनी ठीक है सेटअप अ लिमिटेड कंपनी इस पर क्लिक कर लेंगे ये हम क्या करने लगे हैं यूके लिमिटेड कंपनी एक ओपन करने लगे यूजिंग द नंबर एंड द एड्रेस वी हैव परचेज्ड
वीपीएन आप मोबाइल में ऐप कर लेना, गूगल प्ले से ऐप करें वीपीएन की और उसको ऑन कर दें। एक्सपायर होगा तो उनके सिस्टम से रिमूव हो जाएगा वो नंबर, आपको दोबारा वो नहीं देंगे, आपको दोबारा कोई नंबर जब आप बाय करेंगे तो कोई और नंबर मिलेगा। स्क्रीन बाकी लोगों को तो नजर आ रही है, प्लीज रीजॉइन कर रहे। हाँ जी, अगर क्लाइंट आपका वहीं का है, यूके का, यूएस का, एंड ही और शी इज विलिंग टू यूज दैट नंबर, तो आप दैट एड्रेस पर वही एड्रेस यूज कर लेंगे, आपको एड्रेस बाय करने की जरूरत नहीं है। जी यहाँ पे हम आ गए government.uk/setup-a-limited-company। यूएस की बात अभी आएगी तो यूएस की करेंगे ना, आप लोग यूएस पे पहुंच गए अभी, यूके के मसले मसाले डिस्कस करें, ठीक है, इसके बाद यूएस पे भी आएंगे। यहाँ पे register your company में register your company with company's house ये लिखा हुआ है, इस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है। लीजिए यहाँ पे बता रहा है कि आपको कंपनी ओपन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए ये चीजें चाहिए होंगी, ये चीजें चाहिए होंगी आपको, अपना डाउन बर्थ या इसमें से कोई चीज आप एज ए पर्सनल इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 12 पाउंड चाहिए है, which you will pay by debit or credit card, आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन आपने जिसके नाम पे भी ओपन करनी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर देंगे, रजिस्टर योर कंपनी, यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये लिंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, मल्टीपल नंबर ले सकते हैं। Are you starting a new application? Yes. अच्छा, अब ये जो सारा प्रोसेस है ना, आप लोगों को लगेगा कि मैं स्पीडली जा रहा हूँ और आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि हमने कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्लिक करना है, ठीक है। तो the process is same for everyone. मैं जस्ट आपको प्रोसेस गो थ्रू कर रहा हूँ, उसके जो मसले मसाले जहाँ पे आएंगे वो समझाने की कोशिश करूँगा। जब आप कंपनी ओपन कर रहे होंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है सारा सीक्वेंस, तो फिर आप इसको यूट्यूब से कोई भी वीडियो लेके तो स्टेप बाय स्टेप उसको देख के आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने लिंक ऊपर शेयर कर दिया है ना, ये मैंने लिंक इसको शेयर कर दिया है ऊपर, ये tax.service.gov.uk वाला। ग्रुप में शेयर कर देंगे, अच्छा जी, ये रहा जी, ग्रुप में कर देते हैं। ले जी, ऊपर से क्या गुजरा है, मोहम्मद अहमद शबीर, आपको इन्वाइट करूंगा, आप बताएं क्या चीज आपके ऊपर से गुजर गई, क्या हो गया। आपको देखिए क्या मस्त है, स्क्रीन वो पॉज करता हूँ, स्टेप पॉज करता हूँ ना तो फिर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। शेयरिंग पॉज करता हूँ। मोहम्मद अहमद शबीर, आप प्लीज अपना पे ठीक कीजिए ना, और वास्तव में शायद
जब आप कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा तो सारे क्वेश्चन हट जाते हैं, बाकी मुझे लगता है हमें भी नहीं आ रहा। अच्छा जी ये वाला है आई थिंक, यहाँ पर लिंक पोस्ट एक बना देता हूँ। अच्छा जी यूजफुल थैंक्स फॉर सबसे पहले हम दे देते हैं जी एड्रेस वाला, ठीक है उसके बाद आ जाएगा फोन नंबर के बाद जो कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला है एड्रेस जो यहाँ पे मैंने अभी दिया, ये ठीक है जी कंपनी वाला आ गया, ये लिंक है अभी तक के। वापिस आ जाए कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, अच्छा अगेन आप लोगों ने ना पूरा या तो किसी ने लेक्चर नहीं लिया होता या किसी को बैकग्राउंड नहीं पता होता, फिर वही क्वेश्चन इस तरह के करते हैं कंफ्यूजन किस तरह के। तो अभी जो लोग पूछ रहे हैं भाई इस पर तो इतने पैसे लग रहे हैं सारे हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ना ये सबकी, ठीक है। इफ यू डोंट हैव द मनी एंड यू आर नॉट डूइंग इट योरसेल्फ, यू आर नॉट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो फिर ये पैसे किसके लगने हैं सारे, क्लाइंट के लगने हैं ना, आपके तो नहीं लगने, ठीक है। एंड व्हेन यू हैव द इनफ अमाउंट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस देन ऑब्वियसली फिर तो पैसे लगेंगे, लगाने पड़ेंगे क्योंकि बिजनेस है, ठीक है। ले जी यहाँ पे आ जाए कंटिन्यू टू क्वेश्चन, are you able to pay for this application using a card or PayPal? हाँ जी पे करने के लिए पैसे हैं हमारे पास, कार्ड है, यस कर दें इसको। Are you any directors or person with significant control on the company's house secure register? अच्छा यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि पहले से जो आपका डायरेक्टर है कोई भी उसका पहले से कोई रिकॉर्ड कोई मसला है इसमें कंपनी हाउस के साथ वो उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। ये नाम क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर दिस कंपनी, ये गेटवे यूजर आईडी जो है एक नंबर होगा आपका, और जब भी आप साइन इन करेंगे government.uk में तो फिर आपको ये नंबर चाहिए होगा, ठीक है। अब मुझे एक मिनट ईमेल बनाना है आप लोगों के लिए, आपके बैच का ईमेल एड्रेस होगा और सारी चीज़ें सारे मसले मसाइल आपके बैच के जो भी होंगे वो हम इस ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक मिनट स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, ठीक है, हौसला सब्र तहम्मुल बर्दाश्त दो मिनट के लिए करना।
बदलना पड़ेगा इसको कोई। मुझे कोई चेक कर लेता हूँ दोबारा लग जाएगा जी मेरा काफी मुश्किल हो गया है जी। वेरी गुड फिर वापस इस फोन नंबर के नोट भी इस पर वेरिफिकेशन 786-81-566। अच्छा जी जी को बताया इसको क्या मसला है। मुझे का नंबर दीजिएगा जी पाकिस्तान का नंबर सेंड करें उसमें ये ओटीपी आएगी। पाकिस्तान नंबर की तो लिमिट हो सकती है ना कि इस नंबर पे वो कह रहा हो कि भाई इतना ज्यादा आपने ओपन किया है अकाउंट तो माजरत है, लेकिन वो यूके वाला जो हुआ है उसकी नहीं समझ आ रही। ये भी नंबर नहीं लग रहा। बस 9-2 लगा के देख सकते हैं।
रिकमेंड्स टू करके किया। चलो मैं आप ही ट्राई करें, नहीं होता तो फिर हम एग्जिस्टिंग ईमेल वो यूज कर लेते हैं, बाद में आ जाएंगे। नहीं जी तो मसला है इसको, वीपीएन ट्राई करें, इसको मसला पाकिस्तान से तो नहीं है। अच्छा सर, इस तरह के हालात भी आ रहे हैं जो जो हरकतें कर रहे हैं हम। जी मतलब भी अकाउंट देते हुए सोच रहे हैं, इनको देना है कि नहीं देना। नहीं बात, चलो छोड़ दें इसको, हम एग्जिस्टिंग जो है ना अपना ईमेल आईडी कोई भी वो यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, दे हमें कोई बात नहीं। इसको फारिक टाइम में बैठ के सुना, आई एक्सप्लोर कि मसला है क्या। अब हम ऐसे बना के देखें, जीमेल अकाउंट बन रहा है या कोई इशू आ रहा है इस तरह का। अच्छा सबको आ रहा है, ठीक है खैर हम चलते हैं जी वापिस। यहाँ पे ईमेल एड्रेस में डालना था, एड्रेस पे हमें कोड आया। ये कोड है जिसको कॉपी कर लेंगे, इसको आपने सेव कर लेना है, ये जो गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी है ना, इसको आपने अपने पास सेव करना है। ऑल्दो यू विल गेट दिस इन योर ईमेल एज वेल, लेकिन अपने पास रखें, जब भी आपको साइन इन करना है
इधर गवर्नमेंट वर्किंग के पे, तो फिर ये गेट पे यूजर आईडी आपको चाहिए होगा और आपको पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है। डिस्टेंस सिक्योरिटी आपको लगाना है और यू वांट टू एक्सेस कोड्स टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। रिगार्डिंग यूके मोबाइल नंबर, आप यहाँ पाकिस्तान नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर ऑलरेडी कोड आ गया जी इसका 439182, ठीक है। हाँ जी, अगर क्लाइंट के लिए ओपन कर रहे हैं कंपनी, तो ऑब्वियसली डिटेल सारी इसमें आएंगी, आपकी नहीं आएंगी, ठीक है, सारी डिटेल्स उनकी जी। ये ईमेल एड्रेस है, हम कंफर्म करेंगे, यूज करेंगे फॉर कम्युनिकेशन। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद द कंपनी? अच्छा, यहाँ पे अगर आप क्लाइंट के लिए भी बना रहे हैं कंपनी, तो आप ये एजेंट या अकाउंटेंट के सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड ऑफ द डायरेक्टर ये भी नहीं करेंगे, आप कंपनी डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे और फिर आप कंपनी डायरेक्टर की ही डिटेल सारी पुट इन करेंगे, ठीक है। मतलब कंपनी भी एक कम्युनिटी ट्रस्ट कंपनी नहीं जी, कम्युनिटी ट्रस्ट कंपनी नहीं है, वो होती है जो भी आपकी एनजीओ टाइप है, इस तरह की चीजें। मतलब कंपनी भी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी वो ओपन करेंगे। हाँ जी, यूके का नंबर लेना तो वाइस लेना। बट इज द कंपनी नेम? अच्छा, यहाँ पे आप कंपनी का नाम सेलेक्ट करते हैं, और अगर आपको चेक करना है कि जो नाम आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, तो फिर आप यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्च पे आ जाएंगे और आप पहले सेलेक्ट कर देख लेंगे कि इस जो जो नाम आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी यूनिक। आप जो नाम पहले यूज हुआ हुआ है वो अगर वो ही रखेंगे तो आपकी कंपनी रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, तो आपको यूनिक नाम रखना है। कैसे रखना है यहाँ से आप सर्च करेंगे, ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है ट्रेडमार्क सर्च का, इस पर क्लिक करें, सर्च बाय कीवर्ड वाली ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की है उसके ऊपर आ जाए। अच्छा जी, सर्च बाय वर्ड हम राम नाम रखना चाहते हैं जी, ई कॉम जुलाई, ठीक है, ये लिख लेते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। क्या है जी, टू कंटिन्यू प्लीज एड्रेस द फॉलोइंग, नो ट्रेडमार्क्स मैचिंग योर सर्च क्राइटेरिया और फाउंड। अगर फॉर एग्जांपल हमने नाम रखना होता एडिडास, आपके जहन में आता कि ये रखते हैं, क्या होता? ये जी
से, इस ट्रेडमार्क से ये कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, एक जी 2 मिनट रुक। खत्म हो गई थी, सॉरी ब्रेक काफी बहुत ज्यादा शॉर्ट थी। तो ये इस नाम से ये देखिए मार्कटेक्स एडिडास ऑलरेडी ये ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये सारे ट्रेडमार्क्स एडिडास ने ही खुद करवाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे उनका लोगो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे लोगो डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है। 1982, 1988, 1992 इन डेट्स में ये रजिस्टर्ड हुआ। ठीक है, तो वाला पंगा नहीं लेना जो कि ऑलरेडी नाम एग्जिस्ट करा जी। ठीक है, हमारा नाम है इको चलाए। इस कंपनी नेम एंडिंग विल बी प्रेफर्ड टू ऑन द पब्लिक। आप लिमिटेड पूरा लिखवाना चाहते हैं, एलटीडी लिखवाना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। एलटीडी लिखवाना है तो आप इसको यहाँ पे लिखते हैं। अगर कोई और नेम एंडिंग आपने करनी है तो फिर आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप एलटीडी कर लें, दैट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। अच्छा मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, शायद फिर आपको कोई वॉइस का किसी का इंटरनेट का मसला है तो कितना ब्रेक हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है जी, व्हाट इज द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। ये एक चीज यहाँ पे जो ध्यान से समझने वाली है ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस डिफरेंट होता है और रेजिडेंस एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर ये डिफरेंट होता है। यू कैंट यूज सेम ऑफिस एड्रेस जो कि आपने बाय किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन ऑफिस से किया है, तो आप उसी एड्रेस को एज ए रेजिडेंस ऑफ द डायरेक्टर वो यूज नहीं करेंगे। उसकी रेजिडेंस जो है वो किसी और कंट्री में हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टर आपका पाकिस्तान में रह रहा है तो उसकी रेजिडेंस पाकिस्तान में होगी, आप वहाँ पाकिस्तान का एड्रेस देंगे। लेकिन जब वो आपसे पूछेंगे कि कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी के ऑफिस का एड्रेस कहाँ पे है, तो वो आप यूके का एड्रेस देंगे। अच्छा, इसमें कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये इलीगल तो नहीं है, ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। यूके में लाखों की तादाद में इस तरह से कंपनीज हैं जिनके रेजिडेंस कभी यूके नहीं गए लेकिन उनकी कंपनी वहां पे है एंड दे आर डूइंग बिजनेस इन यूके। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको, इफ यू आर नॉट रेजिडेंट ऑफ द यूके इवन देन यू कैन डू बिजनेस इन यूके। आपको जस्ट यहाँ पे एक ऑफिस एड्रेस चाहिए होता है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट या HMRC या दूसरे डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेट कर सके आपसे। ठीक है, एड्रेस आपको चाहिए होगा, वो एड्रेस भी फिजिकली होना जरूरी नहीं है, आप वर्चुअल एड्रेस यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपकी आपके साथ कम्युनिकेशन हो सके इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। अच्छा जी, क्लाइंट रह रहा UAE में बट वो रहता US में है, तो जो भी उसका परमानेंट एड्रेस वो यूज करना चाहे, जो उसके देखिए ID पे जो एड्रेस है, उसके पासपोर्ट पे, उसके CNIC पे जो एड्रेस है, वो वाला एड्रेस आप यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। किसने क्वेश्चन किया हुआ था लीगल इलीगल वाला, वो है इधर। शमसा इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, फ्लैट्स कहाँ से मिलेंगे, तो इसके ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, अभी हमारा मैंने आपको बताया कुछ स्किल्स सिखाने के बाद हम फिर उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं फाइबर अपर वगैरह उसके ऊपर काम कर लेंगे थोड़ा सा। जी जी, कंपनी करने के लिए किस पर नहीं है, आगे चल रहे भाई। अच्छा यहाँ पे अब हमने बोला देना है हमारा जो वर्चुअल ऑफिस वाला हमने एड्रेस बाय किया वो देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं जी ऑफिस
आप जस्ट जिप कोड जब डालते हैं तो बाकी एड्रेसों को पिकअप कर ले, ठीक है। यहाँ से हम जिप कोड ले लेते हैं जस्ट, और अच्छा अभी देखेंगे प्रॉपर्टी नेम और नंबर, उसको पता है कि इस एड्रेस के ऊपर 10,000 ऑफिसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉपर्टी नंबर है, आपका ऑफिस नंबर, वो यूनिक होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना प्रॉपर्टी नंबर ऑफिस नंबर लिख देता हूँ, इसे मैं कहता हूँ फाइंड एड्रेस, आप ढूंढ लें ये। अब उसने ये आपको सजेशन दे दिए हैं कि आप इसमें से सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं जी हमारा वाला जो है वो 321 से 323 हाई रोड चैटल है, ठीक है। तो 321 से हाई रोड ही था चैटल एस एक्स वन में, हाई रोड रॉमफोर्ड आ रहा है, इधर है रॉमफोर्ड, हाई रोड चैटल है एस एक्स नहीं है। तो अगर आपको एग्जैक्टली वो नहीं मिल रहा तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हैं, द एड्रेस इज नॉट इन द लिस्ट एंड यू कैन एंटर द एड्रेस मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज आप फिर मैनुअली इसको एग्जैक्टली लिखने के लिए मैनुअली एंटर कर देंगे। फिर कोड यहाँ से लिया जी, यहाँ से एड्रेस बाय किया आपने, यहाँ से कोड लिए, अच्छा वो कह रहे हैं कंफर्म कर रहे हैं एड्रेस ये आपका, हाँ जी यही है। वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, इंग्लैंड एंड वेल्स में होगी रजिस्टर, व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होती है, जहां पे कंपनी का ऑफिस होता है, तो ऑफिस इस एड्रेस के ऊपर है जो हमने परचेज किया। यहाँ पे आपको अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर देना है और एक ईमेल एड्रेस देना है, हम कोई नहीं दे रहे, ईमेल एड्रेस दे दिया है, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं। इस द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, नाउ नई कंपनी, व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, ऑन द सेम डेट इट गेट्स सेट अप, ठीक है, सेम डे पे एक्टिव हो जाएगी। In its first 3 months, will the company do any type of following? कोई interest pay करेगी, कोई royalty payment करेगी, कोई interest receive करेगी? नहीं जी, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम। No. मोहम्मद वही नहीं जी, कुमार सनी होगा। नहीं, मैंने address purchase नहीं किया, मैंने random address लिख दिया है इसमें। अच्छा जी, व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको यहाँ पे एक कोड चाहिए होता है, आपकी जो एक्टिविटी होता है उसका हर एक्टिविटी का कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइक ये ओपन करते हैं लिस्ट ऑफ ट्रेड डिस्क्रिप्शंस, हर ट्रेड का एक कोड है, आपकी जो ट्रेड है आप क्या कर रहे हैं ये देखें, अगर आप ग्रोइंग और प्राइस कर रहे हैं तो आप वाला कोड आपका होगा, अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर्स स्टॉल्स और मार्केट्स, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन कर और आपकी कोई शॉप नहीं होगी, तो फिर ये वाला कोड हम यूज करेंगे 47990, इसको यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर्स स्टॉल्स और मार्केट्स, इसको कंटिन्यू करते हैं, ये कोड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। रैंडम एड्रेस से नहीं बनानी,
आपने अपना एड्रेस देना है जो बाय किया होगा, उसके ऊपर लेटर्स आने, इसके बाद आपको ये कोड आएगा, एक यूटीआर नंबर आएगा, और इसके अलावा आपको दूसरे कोड आएंगे जो कि कोड आपको कंपनी को एक्टिवेट करने के लिए यूज करने के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। चेक इन कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग, ठीक है, ये हो गया, हमने ये सिलेक्ट कर लिया बिजनेस एक्टिविटी। हैज एनीवन नोन दिस एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर, नहीं जी, इस तरह का कोई काम नहीं है। यहाँ पे आप किसकी डिटेल है, डायरेक्टर्स डिटेल, ठीक है, ये डायरेक्टर की डिटेल है। तो अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं तो फिर उस बंदे की डिटेल आएगी जिसके लिए आप बना रहे हैं, आपकी अपनी नहीं आएगी, ठीक है। As the director used a different name for business purposes in the last 20 years, no, nationality क्या है, यहाँ पे आप बताएंगे पाकिस्तानी है या अगर US है या दुबई का, जो भी है जहाँ की नेशनलिटी है बंदे की वो हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आप दे देंगे, जो आप टाइटल आप कह सकते हैं कंपनी डायरेक्टर। अच्छा, कोड इसलिए दिया है क्योंकि हम ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन रिटेल करेंगे यूजिंग दिस कंपनी, इस वजह से तो जो ऑनलाइन रिटेल का बिजनेस है वो इस कोड के अंडर आता है, ठीक है। यूके का नंबर वाई के थ्रू, वाई कैप के थ्रू, हाँ जी, इस कंपनी से आप एटसी या ईबे कुछ भी कर सकते हैं। बाकी कोड उसको 10,000 कोड है उसके ऊपर, उसके अलावा डजंट रिलेट टू अस, ठीक है, बट इस द कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फॉर। अच्छा, यहाँ पे ये चीज समझते हैं कि यहाँ पे ये डायरेक्टर का कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि आप कंपनी का ही एड्रेस है, आप डिफरेंट एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी का इसलिए होता क्या है कि इवन भी है तो वो भी वर्चुअल एड्रेस यूज कर रहा होता है। जी अभी ठीक है, आवाज आवाज ठीक है, आवाज ठीक नहीं आ रही आप लोगों को, यहां से तो ठीक जा रही है, अभी ठीक है कि नहीं मुझे बताएं या मैं चेंज करूं, क्लियर है। अच्छा, लैग तो करती है, हाँ वैसे जूम है, लैग तो करेगी, और मतलब 191 माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स है इस वजह से, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा मुझे बता दे, बाकी लैग हल्की फुल्की सी करेगी, क्लीन वगैरह रहता है जी। होम एड्रेस में पाकिस्तान एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, यूके रेजिडेंट का एड्रेस कंपनी एड्रेस यूज कर सकते हैं। अच्छा, करने को तो कर सकते हैं अगर वो बंदा को अलाउ कर, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है कुछ लोगों का जो मैंने देखा है इतना अच्छा नहीं रहा, एक मिनट ठहरे, मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ, ठहरे ठहरे जी, जरा
इंटरनेट लगाते हैं, दूसरा आवाज कर रही है, इसको नहीं हाँ जी अब बेहतर हुई है या नहीं हुई? चलो ठीक है, जी वो स्टार्लिंग वालों को की हुई रिक्वेस्ट मैंने जैसे वो देते हैं, उससे बात हुई है एलन मस्क से, वो कह रहे हैं कि हम आपको स्टारलिंक दे रहे हैं, तो हमारा भी इसी तरह से है मामला। अच्छा जी वापिस आ जाए घूम फिर के, होम एड्रेस क्या है जी आप यहाँ पे जो होम एड्रेस है ना, कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेप है, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि यही एड्रेस होम एड्रेस जो है वो आप जो बिजनेस एड्रेस है उसी को एज होम एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। वी काइंड ऑफ प्रिटेंड वी आर लिविंग इन द यूके और हमारा होम एड्रेस भी वहीं पे, हालांकि ये बिल्कुल भी स्टेप आपने नहीं करना, आपने डिफरेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अगर बंदा जो डायरेक्टर है पाकिस्तान रह रहा है तो पाकिस्तान का एड्रेस देना है, यूएस रह रहा है तो वहाँ का देना है, दुबई रह रहा है वहाँ एड्रेस मैनुअली कर, क्योंकि जो है बाहर हम भी एड्रेस मैनुअल कर देंगे। यहाँ मिल जाते हैं नंबर वन है हमारी, हमारी है जी मेन ठीक है, पोस्ट कोड हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने पाकिस्तान का एड्रेस दे दिया, कंफर्म कर लें, वॉइस कभी भी है सर, अच्छा ठहर से जी, कुछ लोगों को है ना, अगर सबको नहीं है कुछ लोगों को है तो फिर ये बाकियों का इंटरनेट खराब है, क्योंकि मुझे वो जब अगर पता ना वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका इंटरनेट का कोई इशू हुआ है या कोई डिस्टॉर्शन है, अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टर्स ऐड करने हैं तो आप उनकी डिटेल भी आगे दे सकते हैं और
शेयर्स डिसाइड कर लेंगे कि आपके कौन से डायरेक्टर के पास कितने शेयर्स हैं, ठीक है। आप अपनी परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे शेयर्स की कि 50% फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर के शेयर है, 40% और 60% से डायरेक्टर के शेयर, ठीक है। वो आगे जाके शेयर वाला स्टेप भी आएगा, लेकिन इस स्टेप पे इफ यू गॉट एनी अदर पार्टनर तो आप उस पार्टनर को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नो कर देते हैं, पार्टनर को जस्ट आपने नाम बता देना है, कुछ भी नहीं है। ये जी जो एक डायरेक्टर है ये उसकी डिटेल है सारी, ये उसका पाकिस्तान का एड्रेस है, ये उसका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये ईमेल एड्रेस है वगैरह, इसको कन्फर्म कर लें, ठीक है। कन्फर्म कि ये बंदा यहीं पे रहता है एंड आई एग्री टू बिकम अ डायरेक्टर, इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जी ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन हम करेंगे, कंटिन्यू करें। Do you want to, the directors to be digitally authorized to file online for the company? Yes. Which director do you want to see? अच्छा यहाँ पे अगर director different होते हैं ना, फिर इसमें से कोई एक director हम select करते हैं जिसको हम allow करते हैं कि वो digitally जो company के accounts हैं वो file कर सके, या उसमें कोई भी changes करनी है, company में shareholders add करने हैं, निकालने हैं, तो एक बंदा ऑथराइज होता, ठीक है। तो अभी डायरेक्टर ही एक है तो ऑब्वियसली वही ऑथराइज है। उसका जी आसान खालिद का एग्जिस्टिंग कंपनी हाउस का वेब फाइलिंग अकाउंट है, नो जी नो सेलेक्ट कर लें ताकि ये न्यू बन जाए। विच ईमेल एड्रेस आई वांट टू यूज टू क्रिएट वेब फाइलिंग अकाउंट, ये वाला ईमेल एड्रेस है जी। ऑथराइजेशन डिटेल ईमेल एड्रेस, ये बंदा आप ऑथराइज कर रहे हैं। Profiling account save. You're about to set up the company shareholders. अब shareholders इसमें कितने होंगे जी? Director ही एक है तो shareholder एक ही होगा ना? ये shareholder है, हाँ जी। जी बाद में director add हो सकता है, बिल्कुल। Another shareholder add करना है आपने? नहीं, शेयर होल्डर की डिटेल है जी, एक ही बंदा है, कंफर्म कर दें। जी मोस्ट ऑफ टाइप ऑफ शेयर वो ही हम यूज करेंगे। कितने शेयर हैं जी? वन शेयर है वो और एक ही बंदे के पास है। वैल्यू ऑफ शेयर £1, एक शेयर की वैल्यू है। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर चार डायरेक्टर है ना, और तो मैं शेयर जो है वो 100 कर दूंगा, 25-25 शेयर डायरेक्टर को दे दूंगा, ठीक है। इनके भी डायरेक्टर ही एक है तो फिर एक पाउंड उसकी वैल्यू है वो, और वो होते हैं, और अगर कंपनी क्लोज होती है तो कंपनी होते हैं वो सब एज पर शेयर डिवाइड होते हैं। शेयर है कंपनी कर रही है, कंपनी छुटती है तो फिर वो सारे जो अमाउंट कंपनी का एज दैट होगी जी, हाँ जी। ओनर्स का जो लेटर होगा ना वो पाकिस्तान में जी, डिस्कनेक्ट हो गया था जी, सॉरी मैं दोबारा शेयर करूं, मैं दोबारा बता रहा हूँ।
अच्छा मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो ये कंपनी शेयर है जो परसेंटेज है, हाँ जी जो परसेंटेज है शेयर्स की उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि अगर कोई भी कंपनी कल को डिसॉल्व होती है या उसके डिवाइड होते हैं तो शेयर होल्डर्स की जितनी परसेंटेज होगी उस हिसाब से उनको अमाउंट मिलेगी। ठीक है, ये वाली बात हुई है, सिर्फ यही हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर कंपनी उसको सिलेक्ट करते हैं आगे। From your previous answers, we know that Sant Khalid is a person with significant control. उसको पता चल गया कि क्योंकि एक ही डायरेक्टर है कंपनी में तो obviously significant control उसी का होता है। Significant control क्या होता है? For example, अगर multiple director हैं, आप एक बंदे को significant control देते हैं तो फिर वो बंदा director add भी कर सकता है, निकाल भी सकता है, shares की percentage को change भी कर सकता है, उसके पास full authority होती है सारी। ठीक है, हाँ एडमिन टाइप मतलब जो बंदा सीईओ टाइप है वो है। ठीक है, जैसे आसान वाले हैं तो राइट टू पॉइंट और मूव द मेजॉरिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स, हाँ जी क्योंकि उसके पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल है तो कर सकता है। जो कह रहे हैं डिटेल्स अपनी चेक कर लें, बहुत सारी अच्छे तरीके से इनको पढ़ लें, इसके बाद यहाँ पे ऑथोराइजेशन दे दें, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डू यू वांट टू, वो कह रहे हैं मॉडल बना हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का वही अगर यूज करना है तो यस करें, अगर आपने अपना पंगा लेना है कोई तो वो कर लें। तो ऑब्वियसली वी नीड सम लॉयर टू मेक दिस काइंड ऑफ मॉडल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो फिर हम जो बने हुए हैं उनको मॉडल को ही यूज करते हैं। ठीक है, सेव कर लें। इन्फॉर्म करते हैं इसको, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस तरह होता है, आप अपनी तीन ये क्वेश्चंस करते हैं सिलेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आप उनके वो तीन वर्ड्स सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपके डिजिटल सिग्नेचर बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा मॉडल आर्टिकल जो दिए होते हैं, मॉडल आर्टिकल में बेसिकली आपकी कंपनी किस तरह से वर्क करेगी उसका जो लीगल आप समझ लें कि काम करने का तरीकाकार है सारा, उसके अंदर वो डिफाइन होता है। तो एक जनरल मॉडल ऑफ आर्टिकल्स उन्होंने बनाए हुए हैं या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जनरल बना के उन्होंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप या तो उन्हीं पे रह सकते हैं, वही यूज कर सकते हैं, या आप अपने कंपनी में काम करने का तरीका डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आप डिफरेंट बना के आप वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हम जो मॉडल बना होता है उसको यूज कर लेते हैं। जी कोई चार्जेस नहीं है, वो कंपनी के जो 12 पाउंड पे करेंगे हम कंपनी फॉर्म करने के उसी के अंदर आता है। ये जो आंसर हमने दिए हुए वो कह रहे हैं इनको कंफर्म कर ले। ठीक है, कंफर्म कंटिन्यू। ये भी आंसर सारे जो हम पहले दे चुके हैं इन द पास्ट, वो कह रहे हैं इन सबको कंफर्म करें, सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप एग्री करते हैं तो इसको कंफर्म कर ले। ले जी, दिस इज द लास्ट स्टेप, वो कह रहे 12 पाउंड पेमेंट करें और आप उसके बाद आजाद हैं। क्रेडिट कार्ड से करेंगे या पेपॉल से, वो सिलेक्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, नाम सिक्योरिटी कोड वगैरह डालना है, बिलिंग एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हैं और इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ से आपकी पेमेंट होगी एंड यू आर डन, आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका ये जो कंपनी आपने फाइल की है उसकी पेमेंट में रिसीव हो गई है और विद इन 2 to 3 days आपको आपकी कंपनी का जो कन्फर्मेशन है उसकी ईमेल आ जाएगी और उसके अंदर जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट
डॉक्यूमेंट उसमें जो होगा वो ये दिखा देता हूँ मैं. दिस इज कॉल्ड कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट. ये आएगा, इसके अलावा शेयर होल्डर्स का सर्टिफिकेट आएगा, इसके अलावा आपको उसके अंदर मिलेगा आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आपको ईमेल में मिल जाएंगे. ठीक है, ये वाला आपका लेटर होगा, ये इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपका ये कंपनी नंबर है और इसको ओपन कर लेते हैं. इस नाम से ये इंग्लैंड में रजिस्टर्ड हो गई है. एचएमआरसी का अभी कोई ताल्लुक नहीं है, एचएमआरसी अभी नहीं करना हमें, नहीं नेल फाइल करने की जरूरत नहीं है. वो एक साल बाद आपको उसमें एचएमआरसी की अभी नहीं फाइल करनी है, अभी आप वैट रजिस्टर्ड नहीं होंगे. ठीक है, जब आप वैट रजिस्टर्ड हैं फिर आप एचएमआरसी को फाइल करेंगे. लेकिन सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन या कंपनी नंबर होगा, यहाँ पे नीचे आपका नाम पता आ जाएगा. ठीक है, बाकी इसके अलावा वही आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या मेमोरेंडम एसोसिएशन जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं जनरल वाले, वो आपको मिल जाएंगे ईमेल में. ठीक है, और एक सर्टिफिकेट होता है शेयर होल्डर सर्टिफिकेट, शेयर होल्डर डिटेल्स होती हैं उसमें. तो अगर आपका एक ही शेयर है, एक ही बंदा उसका नाम लिखा होगा, उसके शेयर लिखे होंगे. अगर मल्टीपल बंदे हैं उनके नाम और उनकी शेयर की परसेंटेज वो उसके अंदर लिखी होगी. ठीक है, लॉन्चेस क्या है, लॉन्चेस कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ जी, इकोनॉमिक स्कॉलर भी देते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप खुद करें, एटलीस्ट यू नो कि आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं. ठीक है, आप जब उसको एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, गॉट ऑल ऑफ द आईडीज एंड एक्सेसेस, तो फिर आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं. वो आपसे बस नाम पता लेंगे, फॉर्म करके आपको दे देंगे, इसको मुश्किल चीज तो नहीं है करने में. अच्छा, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप मेल रिसीव करते हैं कंपनी से रिलेटेड. ठीक है, वो जो वर्चुअल ऑफिस वर्चुअल एड्रेस आपने बाय किया ना, वो वाला होगा. ये एनुअल पेमेंट है इसकी, £12 एनुअल पेमेंट होगी, फर्स्ट टाइम 12 है, बाकी एनुअल £13 होगी. वेब फाइलिंग अकाउंट होता है जहाँ पे आपको जो मैं कह रहा हूँ ना रिन्यूअल करवानी पड़ती है, तो उस अकाउंट के अंदर होता है. तो वेब फाइलिंग अकाउंट जो मैंने सिलेक्ट किया कि मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो मेरी इसी डिटेल के ऊपर वेब फाइलिंग अकाउंट बता देंगे. ठीक है, और मुझे जब साइन इन करना है वेब फाइलिंग अकाउंट पे, तो मुझे ई मेल के अंदर आ जाएगा लॉगिन पासवर्ड वगैरह, उससे मैं वेब फाइलिंग अकाउंट पे साइन इन करूँगा और अपनी जो एनुअल रिन्यूअल होती है उसको करवा लूँगा. देखिए, क्लाइंट अगर एक है, एक बंदा डायरेक्टर है, तो एक अगर वो कहते हैं हम पांच लोग हैं, पांच डायरेक्टर बना लें, तो पांच बना देंगे. उन पांचों का नाम पता एड्रेस देना है आपने. जी ऑब्वियसली क्लाइंट बताएगा आपको डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन. इनकम पर एज पर यूके लॉ देंगे. हाँ जी बिल्कुल, टैक्सेशन की बात हम करेंगे, उसके अंदर आ जाएगा टैक्स वाला भी. अभी परेशान ना हो टैक्सेशन का, आप हर चीज़ का वक्त है, टाइम है, मुतय्यन है, तो उससे पहले अगर आप परेशान होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये देखिए ना, अभी इतने लोगों ने कहा हुआ है कल कि हम परेशान लोगों के सवालों से हैं, जो नए नए सवाल कर रहे हैं ना, उससे लोग ज़्यादा परेशान हैं कि हमें तो नहीं पता कि इनको क्या पता है, सारा कैसे पता है, ये हमें क्यों नहीं पता. हाँ जी, लास्ट पेमेंट चाहे वो क्लाइंट की कार्ड से भी हो सकती है, खुद भी कर सकते हैं, इट्स नॉट रिकरिंग पेमेंट, तो आप खुद भी कर सकते हैं, यू कैन चार्ज क्लाइंट फॉर इट. अच्छा जी, यहाँ वाले क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ब्रांड अप्रूवल का बता देंगे. देखिए ना, ये अभी वाले क्वेश्चन मैं नहीं अभी आंसर करूंगा ना, ब्रांड अप्रूवल जब टाइम आएगा तब होगी. पीए के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट है, जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी इसमें हो जाएगा.
सेम ईमेल यूज करना मस्ट है, नहीं जरूरी नहीं है। वर्चुअल एड्रेस बाय करेंगे नहीं, अभी आप लोगों ने बाय नहीं करना, अभी आप लोगों ने बाय नहीं करना, अभी जो आप लोगों ने अकाउंट अपने लिए बनाना है, वर्चुअल अकाउंट बनाना है, तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो अकाउंट है प्रोफेशनल अकाउंट, या तो आप क्लाइंट के लिए बनाएंगे या फिर जब डायरेक्टली आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगेंगे तब आप लोग बनाएंगे, अभी नहीं बनाना, ठीक है? ये जस्ट आपने क्लाइंट के लिए सीखना। फ्यूचरिस्टिक सवाल, ये ड्रॉपशिपिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि अमेज़न पर लगाई थी पर हम अपना ऑर्डर कैसे डिलीवर करेंगे वहां पे अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये यहाँ पे बताया हुआ जी इन्होंने आसिम मकसूद ने कि भाई दो तीन आप उसके जो सप्लायर हैं वो अपने हाथ में रखें, एक जगह नहीं तो फिर आपको ऑर्डर फुलफिल करवाना ही करवाना है, क्योंकि अगर आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपका LSR लेट शिपिंग शिपिंग रेट या जो ऑर्डर कैंसिलेशन रेट है वो खराब हो जाएगा एंड यू कैंट अफोर्ड दैट। कंपनी फॉर्मेशन आज हो गई डिटेल में, इन केस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन और फॉर अदर ऑथेंटिकेशन लेटर टू, जी कंपनी फॉर्मेशन के लिए चाहिए और हाँ जी दूसरे लेटर्स के लिए भी चाहिए हमें। दिस इज कॉमन इशू ऑफ ऑल प्लीज लेक्चर्स ओनली, यहाँ ये बात हो गई थी, अभी हम जो फ्यूचरिस्टिक सवाल है उनके जवाब नहीं देंगे। रिकॉर्डिंग पे आ गया एंड आंसर बात हो गई स्टार्ट में, रिकॉर्डिंग वाला लफ्ज बैन है, परचेज करने के लिए क्लाइंट का एड्रेस देंगे, अपना देंगे, क्लाइंट का ही एड्रेस देंगे ना, अगर क्लाइंट के लिए कर रहे हैं सब कुछ तो उनका एड्रेस देंगे, क्योंकि वो कंपनी बना रहे हैं, क्या इसके लिए कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है, पाकिस्तानी विच यूज एन रेडी लोकेशन अकॉर्डिंग टू चॉइस। रैंडम लोकेशन, आप वर्चुअल ऑफिस की अगर बात कर रहे हैं तो वो रैंडम कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, इनके में किसी भी पार्ट में आप ले सकते हैं। आमिना आसिफ थी, हाँ जी ये पूछ रहे हैं कि लीगल है कि नहीं, बिल्कुल लीगल है एंड द गवर्नमेंट अलाउज दैट, बेसिकली देखें ना उनका वो बिजनेस को इंक्रीज करने का या अपनी कंट्री में रेवेन्यू लेके आने का कितना अच्छा तरीका है, कि आपको जैसे 10 मिनट लगेंगे और आप कंपनी ओपन करें, हम बैंक अकाउंट भी ओपन कर लें और आप काम करें हमारे मुल्क में, काम करें, जब उनके मुल्क में काम होगा वैसे भी उनके मुल्क में जाएंगे ना, ठीक है? तो उन्होंने बिजनेस को ईजी कर दिया बाहर बैठे लोगों के लिए, ठीक है? अच्छा बेसिक टू एडवांस लेवल, हाँ जी ये रिदा जैदी जी बिल्कुल, हमने ये तहिया किया है कि अब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन के आंसर भी नहीं देंगे। इलीगल मेथड हम बिल्कुल कोई नहीं कंसिडर करेंगे, और इलीगल मेथड के मैं बताऊंगा जरूर आपको कि भाई ये वाले काम से आपने बचना है, ठीक है? बाकी जो आपको करने का कहूंगा वो सारे लीगल ही होंगे, तो इसमें परेशान नहीं होना। मुदस्सर नजीर कह रहे हैं जी रिकॉर्डिंग से, अच्छा जी रिकॉर्डिंग पे कोई बात नहीं होगी, रिकॉर्डिंग देखिए ना आप 70% तो क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेश्चन क्या है, कमेंट्स हैं कि आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें, तो यहाँ पे कहीं खुला हुआ है वो, ये देखिए टू नॉट प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, सो नो वी भी कर सकते हैं ना, हम रैंडमली कर सकते हैं, एज अ होल नहीं कर सकते ना कि हर लेक्चर की हो जाए। कैन वी हैव अ जी लाइव प्रैक्टिकल सेशन, हमने आज कर लिए, मोहम्मद बिलाल, हाँ जी मोहम्मद बिलाल आपको बहुत शुक्रिया, आपने काफी ज्यादा क्वेश्चन कैंसिल किए, एंड आई वुड एनकरेज अदर लोग भी जिनको क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं तो प्लीज आप वहाँ पे आंसर किया करें, ठीक है? जिसकी भी कोई क्यूरी हो उसको आप बताया करें, हेल्प किया करें लोगों को, इससे आपका अपना नॉलेज एक तो इंक्रीज होगा पक्का होगा और दूसरा दूसरे की हेल्प हो जाएगी, ठीक है?
वीपीएन बेहतर है, वीपीएस जी वीपीएस बेहतर है लेकिन स्लो होता है बहुत ज्यादा, एंड वी कैन यूज फ्री वीपीएस टिल सर्टेन टाइम, उसके बाद हमें बाय करना पड़ता है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे वीपीएस ही चलेगा, वीपीएन नहीं चलेगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और इन कमिंग लेक्चर्स विल गेट टू नो हाउ टू मेक फ्री वीपीएस एज वेल। ठीक है, हाँ जी फोजिया, बहुत अच्छी बात की आपने कि कंपनी ओपन करने से पहले अपना ब्रांड नेम यूनिक सोच लें और उसके हिसाब से वेबसाइट या वो सारा कुछ आप बनाएं। तो इन फ्यूचर इफ यू बिल्ड अ ब्रांड ऑन दैट नेम तो फिर वो कॉमन ही होना चाहिए या बहुत सारा जगहों पे अगर यूज हुआ होगा तो फिर ऑब्वियसली आपको मसला होगा। एफ बी मॉडल पे हमने फैसल से ही बात की थी डिटेल में, हम दोबारा बात करेंगे आपको पेपल का अकाउंट उसके साथ लेने, वो तो आपका बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपको पैसे रिसीव करने हैं, आप पैसे किस चीज के रिसीव कर रहे होंगे। तो जिस टाइप की आप सर्विसेज और प्रोडक्ट सेल करके पेपॉल में पैसे रिसीव करेंगे, यू हैव टू सेलेक्ट दैट कोड। ठीक है, दैट कोड भी कुड बी ऑफ एनी टाइप ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है। ठीक है, तो पेपॉल इज नॉट अल्टीमेट गोल, वो तो आपका जस्ट एक रास्ते का पैसे लेने का जरिया है कि आपने जिस पर रिसीव करना है। वीजा कार्ड के ऊपर बात करेंगे, भी वीजा कार्ड आजकल के दौर में अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो किसी के लिए भी कोई मसला नहीं है, 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। नया पे, सादा पे, वाइज, पियोनियर, ठीक है, अब ये फैसल बैंक, ये सब ऑनलाइन इनके फिनटेक बैंक्स बन गए हैं। आप जस्ट अप्लाई करें, 5 मिनट के अंदर 2-3 दिन में आपके घर वीजा कार्ड आ गए, बैंक अकाउंट ओपन करना भी आएगा जी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कल वाले हो गए, नाउ मेकिंग पोस्ट फॉर टुडेस क्वेश्चन, जो कि आज के लेक्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो उसमें कवर होंगी। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं। आज हमने यूके कंपनी फॉर्मेशन देखी, कल अब हम देखेंगे कि इस कंपनी को यूज करते हुए how we can open the bank account and seller central amazon onwards। deen ki baat bahut achhi baat hai, humne yaad rahi। acha ji, आज की बुक वो पहले वाली बुक हो गई है सबकी, जो आज की बुक पूछ रहे हैं, इतने पढ़ाकू लोग हैं सारे कि आप डेली बुक पढ़ाते रहेंगे। ये एक बेहतरीन आउटकम तो देखते हैं, फिनिश पर की स्टार्ट से ओलिया को क्या इनका डिप्रेशन खत्म हुआ। अच्छा, क्या चीज थी उसके अंदर, किस चीज से आपको लगा कि मसला हल हो गया? अच्छा, इंग्लिश बहुत अच्छा, इंग्लिश इजी भी हो सकती है, आप उसका कोई
ले सकते हैं इंटरनेट पे वर्जन की, उसको सिंपल इंग्लिश के अंदर बताओ, ये पॉसिबल है? कुछ समरी टाइप के ना मिल जाते हैं, इवन यूट्यूब के ऊपर आपको ऑडियो में मिल जाती है बुक्स। और अगर आप कहें कि मुझे उसकी समरी करके बता दी जाए, तो वो भी यूट्यूब पे आपको या इंटरनेट पे मिल जाएगी बना बनी। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने एक आयत निकाली है, इसको सुन ले। ये है जी सूरह अल मोमिन की आयत है और 73 है आई थिंक, उसका तर्जुमा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फिर उनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ है अल्लाह के सिवा वो दूसरे खुदा जिनको तुम शरीक करते थे? वो जवाब देंगे, खो गए वो हमसे, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को ना पुकारते थे। इस तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह होना मुहक्किक मुहक्किक कर देगा। ठीक है, अच्छा ये जो अगर हम इसके मानी देना दूसरे, तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कोई बुत बनाया है और आप उस बुत को अल्लाह का खुदा मान रहे, तो यही शिर्क है। ठीक है, शिर्क की एग्जाम में जो डिटेल में है वो बहुत ज्यादा है, और जो समराइज हैं उसमें शिर्क बिज़ात, शिर्क बिसिफात, ठीक है, इस तरह से दो और। तो अगर जो आप इसकी बात करें ना शिर्क बिसिफात की, तो इसमें सबसे कॉमन टाइप ऑफ जो मसला होता है हमें वो होता है मायूसी के दौरान। अगर कोई बंदा मायूस है ना, तो मायूसी बेसिकली किस तरह से आती है कि अगर कोई चीज आप काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट कंटीन्यूअसली, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये मेरी जो मेहनत है वो जाया हो गई, या ये मेरा ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना मैं ठीक से नहीं कर रहा, उस वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। या मैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये जॉब कर रहा हूँ, मैं ये गिग्स बना रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, मुझे इसी से रिस्क मिलना है, इस गिग के जरिए मिलना है फाइवर की, या अपवर्क पे मैंने प्रपोजल लिखा है, मुझे इसके जरिए से रिस्क मिलना है और मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, तो फिर क्या होगी? मायूसी होगी, डिप्रेशन होगा, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बंदा इसमें जो शिर्क बिसिफात वाली चीज़ है ना उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई चीज होती है कि जिसके अंदर आप कह रहे होते हैं कि इस चीज से मुझे रिस्क मिलेगा, हालांकि जो रिस्क देने वाली जात है वो कौन है? वो अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला की सिर्फ है राज़िक। ठीक है, तो जो अगर आप उसमें किसी चीज को ऐड कर रहे हैं कि मुझे यहां से मिल और इधर से ही मिल रहा है, तो वहां पे मसला होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आप किसी भी चीज को अगर यूज कर रहे हैं वो असबाब एक अलहदा है, और बिल्कुल उस चीज को समझ लेना कि इसी से काम होगा और इसी से मिलेगा वो अलहदा चीज है, लेकिन असबाब को इख्तियार करना वो ऑब्वियसली कन्या तारुल असबाब है। अल्लाह ताला ने जो है वो बंदे को मेहनत करने का कहा हुआ है, और ये भी कहा हुआ है कि जो कोई जितनी कोशिश करेगा उसके हिसाब से उसको जो है उसका अजर मिलेगा। तो कोशिश आपने करनी है, असबाब इख्तियार करनी है, लेकिन You don't have to rely totally on that asbab, कि उस asbab से ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, asbab इख्तियार करना वो जरूरी है, लेकिन उस सबब के ऊपर ही rely करना कि यहीं से मिलना है और
इसी में से देना है वो इन अ सेंस, फिर हम शेयर बेसिफात वाली जो चीज़ वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कोशिश किया करें कि जो भी सब तैयार करें किसी भी चीज़ का, वेदर इफ यू आर ईटिंग ओनली अ टैबलेट, तो फिर ये सोच के खाएं कि ये सबब है, अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया हुआ कि सबब तैयार करना है, और लेकिन इसने मुझे शिफा नहीं देनी है। तो इसी तरह कोई भी काम कर रहे हैं, हमने फाइबर पर अकाउंट बना लिया, केक बना ली, सब मैंने तैयार कर लिए, एंड आई एम गोइंग टू स्ट्रगल विद इट। मैं इसको ऑनलाइन भी लाऊंगा, लोगों को मैसेज भी करूंगा, प्रपोजल भेजता रहूंगा, लेकिन ये मेरे रिस्क का देने वाला ये नहीं है, देने वाला है, ठीक है। सब मैं तैयार कर, जो अल्लाह ने मुझे कहा वो करने को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं फाइबर स्टाइल का काम ना करें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कुफार की ही हैं, एंड वी डिडंट हैव द गट्स टू मेक दिस थिंग्स ऑफसेल्फ, तो फिर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। या हम अपने अंदर इतनी सलाहियत हैं, चीजें पैदा करें कि हम वो अपने प्लेटफॉर्म्स बना लें, अपनी चीजें बना लें और उन्हीं को इस्तेमाल करें। अच्छा, अब टाइम असल में है, काफी हो गया, ठीक है, कल करेंगे, नहीं तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल में जो अपनी चीजें बनाने और अपनी ही इस्तेमाल करना, दूसरों की ना करना, इसके ऊपर ना काफी चीजें बोलने के लिए मेरे ज़हन में है, लेकिन ये फिर किस दिन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।